हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2022 के रिगार्डिंग जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, जैसे कि नीट यूजी पोस्टपोन को लेकर और करेक्शन विंडो को लेकर जितने भी डाउट्स हैं कि कब तक आपका करेक्शन विंडो है वो ओपन होगा और क्या नीट यूजी 2022 पोस्टपोन होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की डाउट ये है कि बार बार आपका जो है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो चेंज हो रहा है, तो उनको उसके पीछे क्या नीट पोस्टपोन होने का क्या एग्जाम्स की जो डेट है 17 जुलाई वो क्या थोड़ा आगे या पीछे या पोस्टपोन होगा कि नहीं, वह सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है या सारी जो डाउट्स हैं वो आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जितने भी नीट यूजी 2022 के आपके जो लेटेस्ट नोटिस आए हैं उस पर एक बार हम देखें कि किस वजह से आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो आपका डेट था वो किस वजह से पोस्टपोन हो रहा था। तो सारे नोटिस में आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन सा नोटिस है वो आपका नीट यूजी 2022 को लेकर साइट पे रिलीज किया गया है। ठीक है, तो सारे नोटिस पे एक बार हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नीट यूजी 2022 के जो यहाँ तक आपको 2021 के जो है आपको नोटिस मिलेंगे, उसके बाद में जितना भी आपका नोटिस आया है, ठीक है, आपका नोटिस नंबर 1, 4 और 27 जो नंबर नोटिस आए हैं वो नीट यूजी 2022 को लेके हैं। सबसे पहले आपका नोटिस है वो 6 अप्रैल को आया था, ठीक है, उसके बाद में जो नोटिस आया वो 1 मई को आया था, उसके बाद जो नोटिस आया आपका 5 मई को आया था, उसके बाद जो नोटिस आया है वो 15 जो है मई को आया हुआ था। ठीक है, तो 4 नोटिस यहाँ पे एंट्री की साइट पे ऑफिशियल साइट पे आपका रिलीज हो गया है, जिसमें आपको सारे नोटिस आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपको जो भी लास्ट नोटिस की बात की जाए कि लास्ट नोटिस में आपका क्या दिया हुआ था, तो उसमें आपका जो है नीट यूजी रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म जो डेट पोस्टपोन करने का जो था वो था कि आपका जो बीएससी नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिसमें कुछ कॉलेज हैं, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जो AFMS जो इंस्टीट्यूट है वो आपका जो कुछ स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग है जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो उनकी वजह से ये जो है नोटिस रिलीज किया गया था कि आप भी जो फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि आपके इस कॉलेज में AMMS जो बोस इंस्टीट्यूट में इस बार नीट की नीट यूजी 2022 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होने वाला है बीएससी नर्सिंग में, तो इन वजह से कुछ डेट है आपकी पोस्टपोन हो रहा है। इसके पीछे ये नहीं है कि आपका एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे, ठीक है, एग्जाम्स 17 जुलाई को होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि एग्जाम सीधी करेक्शन विंडो आपका कब तक ओपन हो जाएगा। तो शेड्यूल के अनुसार हम एक बार बता देते हैं कि कब तक आपका नीट यूजी 2022 का जो करेक्शन विंडो है जिसमें आप जितना भी गलतियां आपसे हुई है वो करेक्शन कर सकते हो। ये वो ऑफिशियल नोटिस था, वो 6 अप्रैल 2022 को रिलीज किया गया था। ठीक है, तो जिसमें इसमें बताया गया है कि आपका एग्जाम्स है वो कब तक होने वाला है, कब आपका जो है लास्ट डेट ऑफ जो पेमेंट प्रोसेस होगा वो लास्ट डेट कब तक रहेगा, लेकिन ये जो डेट 7 मई का यहाँ पे दिया हुआ है ये जो डेट है वो चेंज कर दिया गया है, ये डेट जो है 20 मई तक हो गया। तो मान सकते हो कि 13 दिन यहाँ पे जो है इंक्रीज हुए हैं, लेकिन इस पे एग्जाम्स जो है 17 जुलाई पे इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके करेक्शन विंडो की यहाँ पे कोई डेट्स नहीं दी गई है। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो 20 तारीख के बाद जो आपका 20 जो डेट दिया हुआ है आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उसके बाद 22 या 23 तक जो है आपका करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने जो गलतियां की है, ठीक है, वो जैसे आपको 2-3 दिन का टाइम मिलेगा तो उसमें अपना जो भी है करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका ऑफिशियल नोटिस है वो आपका करेक्शन विंडो को आएगा तो आपको वीडियोज के द्वारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। होप कि आपके सारी प्रॉब्लम सारे कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो से सोल्व हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो डियर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितना भी ऑफिशियल अपडेट हो उनका इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। तो थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।